एवरीवन रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई है तो मैं वापस से समझा दे रहा हूं। ए प्लस बी प्लस सी की होल पावर एन इज अ मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। मल्टीनोमियल एक्सपेंशन, थैंक्स आयुष। मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में मैंने समीशन की तरह एक्सपेंड किया, जिसका फॉर्मूला होता है समीशन फैक्टोरियल एन होल अपॉन फैक्टोरियल एक्स वन फैक्टोरियल एक्स टू फैक्टोरियल एक्स थ्री, ए की पावर एक्स वन बी की पावर एक्स टू सी की पावर एक्स थ्री, वेयर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री शुड बी एन। क्यों? यही तो पावर एन का फॉर्म होता था कि पावर एन के फॉर्म में हर पावर का सम एन आना चाहिए था। ए इंटू बी का सम एन आ रहा था पहले पावर्स का, यहां पे ए बी एंड सी की पावर का सम एन आ रहा है। एंड नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस टू सी टू कैसे आया? क्योंकि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू एन, ये सम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सम ऑफ सॉरी नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला फॉर्म से फॉर्मूला आता था एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, उसको यूज किया एंड मैंने प्रूफ किया। ठीक है, तो वही सेम चीज मैं यहां पे भी मल्टीनोमियल थ्योरम में यूज करूंगा। इट शुड बी समेशन एन अपॉन एक्स वन एक्स टू, कहां तक जाएगा? एक्स आर तक। क्यों? क्योंकि यहां पे आर टर्म्स है। ए वन की पावर एक्स वन, ए टू की पावर एक्स टू, ए एन की पावर एक्स एन, सॉरी ए एन नहीं है, ए आर है, डॉट डॉट डॉट, ए आर की पावर एक्स आर, वेयर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट 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 प्लस एक्स आर इज इक्वल टू एन। तो सीधी सी बात है, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो यहां पे आपको सीधे सीधे फॉर्मूला दिखेगा एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। सर बेटा, सर ये एक्स वन एक्स टू इन सब का वैल्यू कैसे उनको पता चलेगा? वैल्यू नहीं पता चलेगा, जितने भी पॉसिबल वैल्यूज है, मान लो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू टेन है, तो कितनी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? बोलो, थ्री थ्री फोर। ओके, और कुछ? सबसे पहले सबसे सिंपल से शुरू करो ना, जीरो जीरो टेन, जीरो वन नाइन, जीरो टू एट, समझ में आ रहा है? ऐसे yes. करके फिर वन वन जीरो नाइन वन वन एट, इससे जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो सब एक इंडिविजुअल टर्म्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन करें आप इसके ऊपर। तीन चार क्वेश्चंस करेंगे एंड दीज ये वाले पार्ट्स जो हो गए, अब ये एडवांस का पार्ट है थोड़ा सा, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, इट्स जस्ट दैट दीज आर द मेंस में उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली आप कोई चीज डिफिकल्ट कोई चीज अपर लेवल की पढ़ेंगे तो उससे आपको बेस के क्वेश्चंस करने में इजी हो जाता है। सर एक वापस दिखाओ ना। सर डन। यस, नेक्स्ट क्लास से आप लोगों के मैं स्ट्रेट लाइन शुरू करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों की स्ट्रेट लाइन शुरू करूंगा। आज यहां पे ये खत्म कर देंगे। अक्षय, हायर मैथमेटिक्स में बहुत यूज होता है, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑब्वियसली ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखता, लेकिन मैं क्वेश्चन दे रहा हूं।
फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स बेटा, मैं बताऊंगा। आई गेस राइट नाउ आप सबका फोकस इस वक्त केमिस्ट्री केमिस्ट्री कवर अप पे जा रहा है, होपफुली काफी लोगों के केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा लेक्चर्स हो रहे हैं राइट नाउ जहां तक मुझे पता है। तो एट अ टाइम आपका कवर अप धीरे धीरे होता रहेगा, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड की होल पावर 11। हाँ हाँ यश बेटा सही है। बाकी लोग भी आंसर दे दो चैट पे। गुड अक्षय उत्तरा गुड। आयुष संगरे गुड। थोड़ा सा सिली मिस्टेक किया आयुष संगरे बेटा, सिली मिस्टेक। चित्रांग सिली मिस्टेक्स। आदित्य सही, विनीत सही, विनीत थोड़ी सी मिस्टेक की है। द आंसर इज 13C2। द आंसर इज 13C2। एन इज 11 एंड आर इज 3। देयर आर 3 टर्म्स। 11 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 13C2। Very simple. यहां पे ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। आंसर लिखने जाओगे तो 13 × 12/2 होगा, विच वुड कम्स आउट टू बी 78, ठीक है। बट इवन 13C2 इज ऑल्सो अ परफेक्टली फाइन आंसर। इसी का बी पार्ट विच इज अ सिंपल पार्ट। x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू 11, ठीक है। एवरीवन इसका मुझे चैट में आंसर देना, गिव मी अ मोमेंट गाइस। एवरीवन गिव मी द आंसर ऑन चैट। हाँ एक्चुअली मैं गौरव सर के घर पे हूँ, तो गौरव सर कॉफी बना रहे थे, बना रहे हैं, तो उनको बोलने गया था कि सर मैं भी हूँ, मुझे भूल मत जाना। हाँ फाइंड सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स इन दिस। सीधी सी बात है, याद करो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स के लिए क्या करते थे, पुट x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, x y z इक्वल टू 1। कितनी बेटा समझो, 1 + 2 × 1 + 3 × 1 होल पावर 11। तो ये 1 + 2 + 3 6 पावर 11। काफी लोग का सही था, बिल्कुल ऑलमोस्ट 20-25% ऑफ द क्लास ने मुझको आंसर भी दिया। बाकी सब लोग ने ये सोचा कि सिंपल सा आंसर है, क्यों देते हैं, ठीक है। 6 पावर 11। इन दोनों क्वेश्चन में तो मैंने सीधे सीधे पहले उसमें एक फॉर्मूला यूज किया, दूसरे उसमें मेथड यूज किया। अब
एक और, अब सीधे सीधे मल्टीनोमियल थ्योरम वाला क्वेश्चन सीधे देखते हैं. फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ, किसी को कुछ भी डाउट है हैंड रेज करोगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगा, नहीं तो चैट पे भी पूछ सकते हो, डोंट वरी, डरो मत, ठीक है, मारता नहीं हूं मैं. रेज योर हैंड और आस्क मी ऑन चैट. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 इनटू डी इन. तुम्हें फाइनल मुझे आंसर बताना, ठीक है. इन ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी की पावर 10, ठीक है. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस इन दिस. एवरीवन, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो याद करो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स में मैंने निकालने में यही मेथड बताया था कि x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 1 करते थे. वो थ्योरी वापस से देख भी सकते हो, छोटी सी थ्योरी थी 10-15 मिनट की. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 डी इन ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी की पावर 10. इसकी फाइनल वैल्यू निकाल के देना मुझको, करो सब लोग, 2-4 मिनट है. No silly mistakes. नक्षत्र बेटा गलत है. आयुष चांद्रेकर परफेक्टली करेक्ट. उत्तरा 1-0 शायद एक्स्ट्रा लगा दिया तुमने. आयुष सिंघरे सिली मिस्टेक, सिली सिली, नहीं नहीं उत्तरा सही है, सॉरी उत्तरा सही है. आयुष सिंघरे तुमने सिली मिस्टेक की और 1-0 कम लगाया है. यश श्रवण सिली मिस्टेक, अक्षय वेरी सिली मिस्टेक, अथर्व सिली मिस्टेक, अनिश्विता परफेक्टली करेक्ट. ओम करेक्ट. ध्यान रखना जो एक सिली मिस्टेक लोगों ने की है वो प्लस माइनस की है. दिस वुड बी फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 ए की पावर 2 b की पावर 3 c की पावर 4 एंड माइनस d की पावर 1. d नहीं है यहां पे, माइनस d है, याद करो. तो इस वजह से आंसर होगा माइनस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, जो शायद आता है माइनस 12600. ठीक है, अगर यहीं कहीं 2a होता तो यहां पे 2a की होल स्क्वायर कर रहे होते और वो 2 आगे 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा होता कोएफिशिएंट में. ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना, ध्यान रखना. डोंट मेक सिली मिस्टेक्स.
बहुत मूड खराब होता है जब कोई भी सिली मिस्टेक करके वापस घर आता है। आगे करें, सीधे सीधे यहां पे तो हमने फॉर्मूला ही लगा दिया है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड की पावर 4 इन एक्स प्लस 2y माइनस जेड की पावर 11। एवरीवन इसका आंसर देना, पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हें आंसर दे सकते हो दे सकते हो। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड की पावर 4 इन एक्स प्लस 2y माइनस जेड की होल पावर 11। सर 10 होना चाहिए ना? क्वेश्चन थोड़ी तुम्हारे हिसाब से होगा बेटा, क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से होगा सर। लेकिन सम ऑफ पावर्स, हां हां करो, आंसर दो पहले, आंसर दो बेटा। ठीक है, चैट पे, चैट पे जो भी बोलना है चैट पे बोलो। बाकी लोग भी आंसर दो। अभी तक किसी ने मुझको सही आंसर नहीं दिया है। नो वन हैज गिवन मी करेक्ट आंसर टिल नाउ। मुझे 10 के लिए कौन बोल रहा था अभी? मैंने कौन बोल रहा था कि 10 होना चाहिए? सर मैं बोल रहा था, अमर। हाँ बेटा बोलो, क्यों, क्या बोल, क्यों बोल रहे थे? सर 10 नहीं, आई मीन 9, क्योंकि सम ऑफ पावर्स तो 9 आ रहा है ना इसीलिए। हाँ ठीक है, तो आधी चीज तो तुमने ऑब्जर्व की, फिर आंसर क्यों गलत दे रहे हो? The answer is 0। और कह सकते हो ये टर्म ही डजंट एग्जिस्ट, ये टर्म ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि द सम ऑफ पावर हैज टू बी फॉर अ टर्म, फॉर द टर्म एक्स थ्री वाई स्क्वायर जेड की पावर 4। 3 प्लस 2 प्लस 4 शुड बी n, विच इज 11। क्या हो रहा है ऐसा? नहीं हो रहा है, तो ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। रिपीट कर रहा हूं, यहां पे टर्म ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर टर्म ही नहीं एग्जिस्ट कर रहेगा तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। टर्म क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि मल्टीनोमियल की मेजर कंडीशन यही होती थी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 शुड बी इक्वल टू n। दिस इज लाइक सेइंग हाँ, ये जैकी चैन कौन आया है मेरे उसमें? बेटा अपना नाम बताओ। दिस इज लाइक सेइंग
x प्लस वाई की पावर 10 में x की पावर 100 का कोएफिशिएंट क्या होगा? x प्लस वाई की पावर 10 में x की पावर 100 का कोएफिशिएंट होगा ही नहीं, तो इट वुड बी जीरो. ठीक है, तो ये चीज पहले वाले क्वेश्चन में वो एग्जिस्ट कर रहा था. टू थ्री फोर वन इज इक्वल टू 10. ठीक है, आगे करें. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉफी आ गई मेरी, कॉफी पीते पीते पढ़ाएंगे. दिख रहा हूं मैं? यस सर. यस, कॉफी पीते हैं. अच्छी बनाई है गौरव सर ने. ठीक है, किसी दिन घर भर पे आओ तो तुम लोगों को भी पिलाते हैं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. मैं क्वेश्चन दे देता हूं. हाँ, आज ग्रीन टी नहीं, एक्चुअली किसी और दिन, हर दिन चेंज करते रहना चाहिए. फाइंड द क्वेश्चन करो. फाइंड द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट है ई गायब हो गया, ऑफ एक्स क्यूब वाई की पावर 4 z की पावर 5 इन. अब यहां पे तुम्हें सोचना, थोड़ा सा चेंज करेंगे ना, हर बार बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन थोड़ी होगा. एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की होल पावर 6. करो बच्चों, मैं पीता हूं. तुम लोग क्वेश्चन करो. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ बेटा. होगा होगा, बताऊंगा मैं. नंदिनी, इफ देयर वर 4 टर्म्स लाइक दिस, द कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ. नंदिनी, अगर a4 वाला टर्म नहीं आ रहा है तो r, उसका r 0 होगा, मतलब उसका x4 0 होगा, लेकिन फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो कोएफिशिएंट नहीं 0 बनेगा. Everyone try this. Amar good. Jeet, galat hai beta. Akshay galat hai. नहीं, शामनी एंड आयुष ताके 0 नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं. सोचो, आयुष चांदेकर करेक्ट है बेटा. सबसे पहले देखो क्या इनकी पावर इक्वल हो रही है. पावर मतलब यहां पे 3 प्लस 4 प्लस 5, ये तो 12 बन रहा है एंड पावर 6 है, तो अपने पुराने के हिसाब से तो 0 होना चाहिए था, लेकिन नहीं. यहां पे जो टर्म्स आ रहे हैं, दीज आर नॉट इंडिविजुअल टर्म्स. एवरी टर्म हैज हाउ मेनी पावर? एवरी टर्म हैज हाउ मेनी पावर? 2. एक्स वाई मीन्स 2 पावर, वाई जेड मीन्स 2 पावर, जेड एक्स मीन्स 2 पावर. तो 2 की पावर 6 विल गिव मी 12. तो ये टर्म एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहां पे भी सम 12 है एंड यहां पे भी सम 12 है. अब वो कैसे एग्जिस्ट करेगा वो भी देख लेते हैं. इसका कोई भी एक जनरल टर्म
होगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी. मैंने ए बी सी लिख दिया है, एक्स वाई जेड नहीं लिखा है. सब लोग समझो, सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखते हैं. फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी. एक्स वाई की पावर ए, वाई जेड की पावर बी, जेड एक्स की पावर सी. वेयर वेयर ए प्लस बी प्लस सी शुड बी 6. वेयर ए प्लस बी प्लस सी शुड बी 6. ये कंडीशन होगी. हाँ जीत, अब सही है. 3 इज द चार्म. तीसरी बार तुम्हारा आंसर सही आया, पहली बार सही आना चाहिए. अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं. पहली वाली चीज छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मैं इस इन टर्म्स को वापस से लिखना शुरू करता हूं. एक्स की पावर क्या बन रही है इस टर्म में? ए प्लस सी. वाई की पावर ए प्लस बी. एंड जेड की पावर बी प्लस सी. एवरीवन एम आई राइट? मैंने सिर्फ और सिर्फ सबके. अब इसको मैं मैच करने चाहूंगा किससे? एक्स क्यूब वाई फोर जेड की पावर 5 से. मैच करोगे तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 3, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड बी प्लस सी इज इक्वल टू 5. तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल तुम सॉल्व करने चाहोगे. मैं अलग से सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करके देखोगे. सीधे सीधे क्या कर दो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो ए बी सी मिल जाएंगे. ए मिलेगा 1, बी मिलेगा 3 एंड सी मिलेगा 2. तो उसके बाद मैं वापस ए बी सी को यहां पे पुट कर दूंगा. तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, ये 1 है. एक्स वाई की पावर आएगी 1, वाई जेड की पावर आएगी 3, जेड एक्स की पावर आएगी 2. तो नोटिस कर लो ये बन भी वही रहा है जो मैं मुझे चाहिए. फैक्टोरियल 1 हटा देता हूं. एक्स की पावर बन रही है 3, y की पावर बन रही है 4 एंड z की पावर बन रही है 5. गॉट इट? सो दिस इज द ओवरऑल मेथड टू डू दिस क्वेश्चन. कुछ लोगों ने इसको डायरेक्टली भी गेस कर लिया होगा. That is perfectly fine for a easy level question, लेकिन for a difficult or for a higher level question, guess करना थोड़ा सा difficult होगा. ठीक है? इसी वजह से class में easy कराया जाता है कि तुम्हें दोनों method समझ में आए, guess भी कर सको as well as proper method भी तुम्हें समझ में आए. Everyone, please write it down. ABC की वैल्यू निकालना बहुत इजी है. सीधे सीधे इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो B माइनस सी 1 आएगा एंड बी प्लस सी 5 है. फिर दोनों को ऐड कर दो तो 2b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा.
ठीक है, दिस इज मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है, मल्टीनोमियल थ्योरम। अब इसके ऊपर मैं एक थोड़ा सा बेटर लेवल क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग ट्राई करना, मतलब थोड़ा सा बेटर, बेसिकली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जो लिख रहा है वो लिखे और मैं क्वेश्चन नीचे लिख दे रहा हूं। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 इन 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर की होल पावर 7। रिपीट कर रहा हूं, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 इन दिस, ठीक है, करो सब लोग, दो चार मिनट सोचोगे, खुद से सोचो, एटलीस्ट 3 मिनट तो सोचो ही, उसके बाद मैं बताता हूं, ठीक है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 इन 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर की होल पावर 7। हाँ यशवी बेटा, कोई डाउट था? शामनी बेटा समझो क्या किया है मैंने, मैंने इसका एक जनरल टर्म लिख दिया है, आई हैव रिटन अ जनरल टर्म ऑफ दिस, ठीक है। अब उस जनरल टर्म में मैंने नोटिस किया कि x की पावर a प्लस सी आ रहा है, y की पावर a प्लस बी आ रहा है एंड z की पावर b प्लस सी ओपन करने पे, ठीक है। तो अब इसको मुझे अपने टर्म से मैच कराना पड़ेगा, तो a प्लस सी 3, a प्लस बी 4 एंड b प्लस सी 5, तो उससे a b c की मेरी वैल्यूज निकल गई और उन वैल्यूज को मैंने वापस अपने जनरल टर्म में पुट करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। अमर अच्छे से सोचो, और अच्छे से सोचो जरा, आज ब्रेक नहीं देंगे, आज खत्म कर देंगे चैप्टर, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स से चैप्टर विल बी फिनिश्ड एंड नेक्स्ट उससे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कब करेंगे? प्रोबेबिलिटी बेटा 12th का टॉपिक की तरह होता है, थोड़ा सा बाद में करते हैं उसमें, और उसमें प्रॉपर एडवांस लेवल के टर्म्स भी आते हैं, ठीक है। हाँ हाँ चांदनीकर बेटा सही बोल रहे हो, आगे सोचो, अमर गलत कर रहे हो और करो, जीत बेटा जब तक ओवर हो जाएगा, मेरे हिसाब से ओवर हो जाएगा जल्दी, आज ओवर हो जाएगा, हाँ विल फिनिश द चैप्टर टुडे। देखो सब लोगों ने सबसे पहले जनरल टर्म लिखा होगा, जनरल टर्म, हाँ मैं बस जनरल टर्म लिख दे रहा हूं, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं। एक्स क्वेश्चन में है तो अगेन मैं जनरल टर्म को एबीसी की तरह लिख दूं,
फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी, 1 की पावर ए एक्स की पावर बी माइनस 2x स्क्वायर की पावर सी, जिसको मैं वापस से लिख देता हूं, 1 की पावर ए मैं उड़ा देता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। सीधे सीधे क्या मिला मुझको, माइनस 2 की पावर सी और एक्स की पावर बी प्लस 2c। दिस इज माई जनरल टर्म एवरीवन। पहली बात तो ये सबसे करेक्ट आना चाहिए था। रेज योर हैंड जिनका ये चीज जनरल टर्म करेक्ट आई थी, रेज योर हैंड। गाइज रेज योर हैंड जिनकी ये चीज करेक्ट आई थी जनरल टर्म। ओके ओके, थोड़ा सा ज्यादा से मुझे एक्सपेक्टेड था फिर, लेकिन कम लोगों का आया, ठीक है। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 60-70% ऑफ द क्लास का सही आए, बट अराउंड 50% ऑफ द क्लास गॉट इट करेक्ट। अभी अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी कंडीशन क्या है। अब इसको x की पावर 4 यानी कि मेरी कंडीशन b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 होनी चाहिए। और अपनी इनबिल्ट कंडीशन क्या होती है, हमेशा जो ट्रू होती है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 7, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7, ठीक है। हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव, 3। हाउ मेनी इक्वेशंस वी हैव, 2। 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो इसके एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और वो सॉल्यूशंस मुझे गेस करने पड़ेंगे। कैसे गेस करेंगे, सबसे पहले मैं a की मिनिमम वैल्यू a इक्वल टू 0, तो b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, b प्लस c इक्वल टू 7। a इक्वल टू 0, क्या इन दोनों से कोई आंसर मिल सकता है c की वैल्यू? नहीं, C की वैल्यू मिलेगी, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो C की वैल्यू मिलेगी माइनस में, निगेटिव वैल्यू, नॉट पॉसिबल। तो A इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, A इक्वल टू 1 एंड B प्लस C इज इक्वल टू स्क्वायर 6, इससे भी नहीं हो सकता। मतलब तुम्हें ये करके देखना पड़ेगा। ये अगेन मैं बोल रहा हूं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में जा रहे थे हम लोग, इससे भी नहीं होगा। कब से शुरू होगा, a इज इक्वल टू 3 सपोज करो, b प्लस सी इज इक्वल टू 4, इससे जानते हो अगर सब्ट्रैक्ट किया तो c 0 आ जाता है एंड b 4 आ जाता है, तो यहां पे पहली वैल्यू मिलेगी b 4 एंड c 0। फिर आगे बढ़ेंगे, a इज इक्वल टू 4 पे भी हम चेक करेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास आंसर लिखा है। चलो एक इस ये वाला लिख देता हूं, b प्लस 2c 4 एंड b प्लस c 3,
इससे अगेन करके देखोगे तो b की वैल्यू 2 मिलती है एंड c की वैल्यू 1 मिलती है. और सिमिलरली एक और आंसर मिलेगा, लास्ट वाला मैं आंसर लिख दे रहा हूं सीधे सीधे, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 2. ठीक है, सो वी हैव गॉट 3 सॉल्यूशंस. तुम्हें ये तीनों सॉल्यूशंस निकाल के देखने होंगे. हेयर वी हैव गॉट 3 सॉल्यूशंस. और कौन से 3 सॉल्यूशंस? a इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, c इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1. ठीक है, we have got 3 solutions here. अब वो 3 solutions तो लिख लिए, लेकिन ये तो solution है. इन solution का use करके हमको coefficient लिखना होगा. इनको मैं कहाँ put करूँगा? General term में अपने. We will put them in our general term. तो पहले वाला अगर put किया factorial 7 upon factorial 3, factorial 4, factorial 0. माइनस 2 की पावर 0 प्लस, क्योंकि खूब सारे कोएफिशिएंट्स आएंगे और सब कोएफिशिएंट्स को ऐड करना पड़ेगा, प्लस फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 माइनस 2 की पावर 1. ठीक है, और एक और टर्म आएगा, द लास्ट टर्म हेयर वुड बी फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 2 माइनस 2 की पावर 2. ऑब्वियसली एग्जाम में इन सबको ओपन करके सॉल्व करके एक छोटा सा आंसर मिलेगा, बट यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर टू डू दिस क्वेश्चन. एक लंबा प्रोसेस है, बट प्रोसेस यही है. ठीक है, अगर किसी को किसी भी उस पे डाउट होगा तो प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग वापस से देख लेना. ट्राई टू रीवॉच इट. दिस इज द प्रॉपर एडवांस लेवल क्वेश्चन. जब एडवांस में ओके लेवल क्वेश्चन आएगा, दिस इज नॉट अ एडवांस डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये समझो. ठीक है, मैंने कोएफिशिएंट सिर्फ लिखा है, वेरिएबल हर उसमें x की पावर 4 बनेगा, पुट करके देख लेना. ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 4, क्योंकि हर एक टर्म में x की पावर 4 आएगा, तो सीधे सीधे मैंने x की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो कोएफिशिएंट्स आ जाएगा. ठीक है, गुड. ठीक है, आज रात तक रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड हो जाएगी, तो रात में भी, लेट नाइट में भी देख सकते हैं आप लोग. अब आते हैं अगेन, नेक्स्ट चीज भी जेई मेंस का पार्ट नहीं है, जेई एडवांस का पार्ट एक है. मिनट सर. अभी तक हम हमेशा पावर कैसी देख रहे थे, पावर के ऊपर क्या कंडीशन थी? एनीवन? द पावर हैज टू बी इंटीजर. ए प्लस बी की पावर 2, ए प्लस बी की पावर 3, ए प्लस बी की पावर 5. क्यों? क्योंकि जब हम उसको फैक्टोरियल में स्प्लिट करते थे, तो फैक्टोरियल किन के लिए डिफाइन होता था? 0, 1, 2, 3. तो पावर्स भी वही हो सकती थी, लेकिन अब ये जो लास्ट थ्योरी है, ये थ्योरी है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स. इट कुड बी एनी इंडेक्स. व्हेन आई से एनी इंडेक्स,
इट कुड बी फ्रैक्शन एज वेल एज इट कुड बी अ निगेटिव नंबर ऑल्सो. निगेटिव नंबर एज वेल एज फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, अब देखते हैं कैसे. Everyone, my heading says binomial theorem for any index. ठीक है, हमने जो सबसे पहली थ्योरी देखी थी 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या था, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स. डॉट 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 यस. ठीक है, एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती थी, एन सी वन की वैल्यू होती थी एन इंटू एक्स, एन सी टू की वैल्यू होती थी एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2, एन सी थ्री की होगी एन एन माइनस 1 n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3. ये फैक्टोरियल 2 की तरह लिख सकते हो. यस, अच्छा, अब जब मैं एनी इंडेक्स की बात करूंगा, एनी इंडेक्स की, ये ऊपर वाला तो आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये एक जगह जाके खत्म हो जाती थी. किस पे खत्म हो जाती थी? एक्स रेस टू एन पे. ये एक्स रेस टू एन पे खत्म हो जाती थी. जब मैं एनी इंडेक्स की बात करूं, एन इज एनी इंडेक्स, ठीक है, एंड mod x less than 1. तो मेरा जो ये थ्योरी होती है, इस थ्योरी को डिफाइन करने के लिए ये चीज होनी चाहिए, n is any index और mod and mod x less than 1, यानी x की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच होनी चाहिए. ठीक है, ये दो प्री कंडीशंस हैं. प्री कंडीशन, ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, n is any index का मतलब n अब इंटीजर नहीं रहा, n पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहा, n वुड बी ईदर अ फ्रैक्शन और निगेटिव नंबर, तब मेरा फॉर्मूला बनेगा. ऊपर वाले ही से मैं फॉर्मूला डिराइव करके लिख रहा हूं, वुड बी 1 प्लस nx बाय फैक्टोरियल 1, वही चीज जो n n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, n इज एनी इंडेक्स मतलब n इज अ रियल नंबर लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है. 0, 1, 2, 3, 0 हो गई तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन. कभी किसी की पावर 0 तो देंगे तो सीधे सीधे आंसर 1 हो गया. 1, 2, 3 ये सब नहीं है. 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस कहां तक जाएगा? इसमें टिल इनफाइनाइट टर्म्स जाएगा. जब n एनी इंडेक्स है तो इसका फॉर्मूला वुड गो टिल इनफाइनाइट टर्म्स. ये डिफरेंस आता है इसके फॉर्मूले में. एवरीवन please write it down. Everyone, please write it down. So please scroll up for a minute.
ऊपर कुछ ऐसा तो नहीं है बेटा, सेम ही चीज लिखी है। So I wanted to see the heading actually. The heading is binomial theorem for any index. N is any index. बाइनोमियल थ्योरम एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें जितना मैंने कराया है डेट इज मोर देन इनफ टू गेट योर जेई मेन क्वेश्चंस डेफिनेटली, एंड जेई एडवांस क्वेश्चंस में भी जो इजी क्वेश्चंस आएंगे वो हो जाएंगे। जो जेई एडवांस के डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे जब आगे हम रिविजन करेंगे तो उस वक्त जेई एडवांस के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। यस जीत, हाँ वेदांत सही है। एन इज एनी इंडेक्स एक्सेप्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो अब मैं सीधे सीधे कुछ एक्सपेंशन लिखता हूं, फॉर्मूले में पुट करके देखना कि वो एक्सपेंशन क्या बनता है। मुझको बताओ, वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन अगर है तो मेरा एक्स किससे रिप्लेस हो रहा है? माइनस एक्स से, और एन किससे रिप्लेस हो रहा है? माइनस एन से। तो ये वन प्लस माइनस एन माइनस एक्स, दो निगेटिव पॉजिटिव। माइनस एन माइनस वन और माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये इवन पावर है तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पे दो निगेटिव आपस में मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन जाएंगे। यहां पे तीन निगेटिव और एक इसका निगेटिव, अगेन पॉजिटिव बनेगा। Till infinite terms. Till infinite terms. तो कहीं कहीं बुक में इसको भी अलग तरह से फॉर्मूले की तरह लिखा रहता है, बट मैं इसको अलग फॉर्मूले की तरह आप लोगों को याद करने के लिए नहीं दूंगा। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो मैंने यहां पे लिखा है that is the formula which you have to remember perfectly. पहला वाला, एन और एक्स की जैसे जैसे वैल्यू होती है वैसे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? गाइस, अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप एरएलएस की बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहा कीजिए, ठीक है? सीधे सीधे मेरे लिए ऊपर वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वन प्लस एक्स की पावर एन में वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन दिस, ठीक है? तो मैं दो क्वेश्चन दूंगा, उसमें उसका आंसर आप लोग लिखेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन, मैं 5 मिनट दूंगा, सब लोग आराम से सोचना। यस, आतिश सर ने सबको बोला है आरएलएस करने को, सो आप लोगों के पास दो साइकिल्स होते हैं, एक होता है शीट कंप्लीट हो गई देन डू आरएलएस। आप सॉरी, ये पहला क्वेश्चन है माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, एंड दूसरा क्वेश्चन है वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू। यस, हाँ सर, हाँ बेटा,
आप माइनस एन वाला एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं आया तब वो बेटा एक्सप्लेन तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे तुम अपने लेवल पे क्या करो, अपने ऊपर वाले फॉर्मूले में x की जगह माइनस एक्स पुट करो और n की जगह माइनस एन पुट करके देखो कि क्या नीचे वाला फॉर्मूला बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा, दैट्स इट। ठीक है बेटा? तो मेरे लिए सिर्फ ये फॉर्मूला है, मैं सीधे सीधे पुट करके देखता हूँ एन करता हूँ। ठीक है, जिन्होंने एनसीईआरटी ले ली है वो एनसीईआरटी भी सॉल्व कर सकते हैं, जबकि एनसीईआरटी मैथ्स में एक्चुअली बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। एवरीवन करो, मैं पानी लेके आता हूं, करो ये दोनों क्वेश्चंस। देखो मैं कितने कितने ने आंसर दिया है, गुड। पहला वाला काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, और दूसरा वाला भी कुछ लोगों ने, उत्तरा गुड, वेदांत गुड। पहले का आंसर है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल 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 डॉट इंफिनिटी। अभी इसको देखना मैं कैसे रिलेट करूंगा ये क्वेश्चन देना। सबसे पहले
फॉर्मूला इसमें इस फॉर्मूले में चलो क्योंकि अभी लिखा है जस्ट, तो पुट कर देते हैं एन की वैल्यू यहाँ पे वन है, तो लेट मी पुट वन हियर जस्ट सीधे सीधे ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो ये बन जाएगा वन प्लस एक्स प्लस, यहां पे एन को वन पुट किया तो वन इंटू टू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, यहां पे वन पुट किया वन इंटू टू इंटू थ्री एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री, तो नोटिस करो ऊपर नीचे वाला सब कैंसिल होता चला जा रहा है, वन प्लस एक्स प्लस टिल इनफाइनाइट टर्म्स, एम आई राइट? यस। अच्छा मुझको बताओ इज इट अ इनफाइनाइट जीपी, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने मेरी सीक्वेंस सीरीज की क्लास अटेंड की है, इज इट अ इनफाइनाइट जीपी? इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता था, ए अपॉन वन माइनस आर, ए अपॉन वन माइनस आर, इसका ए क्या है वन अपॉन वन माइनस आर, वॉट इज आर हेयर एक्स, जो कि यही बन रहा है, ठीक है। जिसने भी इनफाइनाइट जीपी क्लास नहीं अटेंड किया उनके लिए यहां तक क्वेश्चन डन हो चुका है, दिस इज डन, दिस इज जस्ट द रिलेशन जो मैं रिलेशन दिखाना चाह रहा था, समझ में आया कैसे इनफाइनाइट जीपी और बाइनोमियल थ्योरम भी आपस में रिलेटेड है, ए अपॉन वन माइनस आर फॉर्मूले से ये वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन बन गया। Got it? Yes. अभी दूसरा इसमें भी लोगों ने पुट करके देखा होगा, n को माइनस n को टू पुट किया होगा फॉर दिस फॉर्मूला, अगर ये वाला फॉर्मूला आप ट्रीट कर रहे हैं तो n को टू पुट किया होगा, तो जो बन रहा होगा वो बन रहा होगा वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब, प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा ये है क्या, व्हाट इज दिस सीरीज कॉल्ड, एजीपी? यस दिस इज अ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी। इसका भी अलग से अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना घर में अलग से ट्राई करके प्रूफ करने की कोशिश करना कि इसका सम भी ये बनता है, ठीक है। सबको समझ में आया? ठीक है, ग्रेट। एक और क्वेश्चन करें, माई क्वेश्चन शामनी बेटा, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ये वाला, तो n को मैं टू पुट करूंगा, क्यों? क्योंकि इसकी पावर में माइनस n है, और अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तब n को माइनस टू पुट करूंगा, n x को माइनस x, ठीक है। मेन फॉर्मूला यह है, उसका यूज करते हुए एक और फॉर्मूला सीधा सीधा पुट कर निकाल लिया है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 100 इन, फाइंड कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 100 इन
1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. गुड आयुष चांदेकर, गुड अक्षय. तुहिन गुड. जीत गुड. यश श्यवन गुड. वेदांत गुड. दूसरा वाला वेदांत भी आंसर दिया करो बेटा. दो वेदांत है, एक ही से आंसर आता है मुझको. बाकी लोग भी आंसर दो. सीधे सीधे ऊपर वाले क्वेश्चन का ही एप्लीकेशन है. नहीं मीत बेटा. हाँ नक्षत गुड. द आंसर इज अनिश. नहीं द आंसर इज 101. कैसे आया? हाँ देखते हैं. आप सबको अभी अभी ऊपर आपको ये दिखाया गया कि वन माइनस माइनस टू का एक्सपेंशन वन प्लस टू एक्स प्लस ऐसे ये समझो. क्यूब के लिए फोर है तो पावर हंड्रेड वाला टर्म क्या होगा? 101 एक्स की पावर हंड्रेड. सर हाँ बेटा. सर आई हैव अ डाउट इन दिस. यस सर. ये जो मतलब मेथड है उससे हम अगर ऐसा कौन सा तो रैंडम ऐसा एक्सप्रेशन है कि मतलब 1 माइनस एक्स की पावर माइनस सिक्स वगैरह और उसका coefficient of x to the power 98 वगैरह ऐसा पूछा है. सो मतलब एनी ऐसा टाइप का सम में वी कैन लाइक देयर वुड बी सम कोरिलेशन बिटवीन द टर्म्स लाइक अ एजीपी और अ जीपी. क्या मतलब दे वुड अगर इफ दे हैव आस्क्ड यू तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन होगा, ट्रेंड होगा. ओके सर. क्योंकि तुम सारे के सारे लिखने तो वाले नहीं हो. यस सर. सो देयर वुड बी सम रिलेशन और वो ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही तुमसे पूछा जाएगा. ठीक है. अगर मैं सीधे सीधे x की पावर माइनस सिक्स वाला पूछूंगा तो तुमसे जनरली दूसरा या तीसरा टर्म पूछा जाएगा. ओके सर. यू मे बी आस्क व्हाट इज द थर्ड टर्म. ठीक है. तो यहाँ पे थ्री नहीं होगा, एक नंबर आएगा. वो नंबर कैसे निकलेगा? यहाँ पे n को सिक्स पुट कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे सिक्स इंटू सेवन बोलो बाय टू. अगर तीसरा टर्म पूछा जाएगा सिक्स इंटू सेवन इंटू एट बाय फैक्टोरियल थ्री. तुमसे बहुत बड़ा नंबर नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर सिक्स इंटू सेवन इंटू एट इंटू नाइन इंटू टेन इंटू बहुत सारे डिवाइडेड बाय दैट फैक्टोरियल. वो सॉल्व करना नहीं इजी है ना. लेकिन तुमको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे टर्म्स पूछे जा सकते हैं. सो क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है ऐसा पूछा जाता है दैट शुड बी सॉल्वेबल विद इन 2 to 3 minutes एंड कोई ट्रेंड हो. अगेन सेम क्वेश्चन. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 100 इन इसका आंसर सब लोग मुझको चैट पे दोगे. एक्स की पावर 100 का ही कोएफिशिएंट चाहिए लेकिन इसमें
एवरीवन इसका आंसर देने की कोशिश करना, x की पावर 100 इन दिस। प्रॉपरली सोचना सोचना इस तरह का क्वेश्चन, मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम, लेकिन एक या दो क्लास पहले भी करवाया गया था जब कोएफिशिएंट ऑफ अ पर्टिकुलर पावर पूछी जा रही थी। नो वन हैज गिवन मी करेक्ट आंसर एज ऑफ नाउ, तीन चार आंसर आए हैं बट एवरीवन सबके गलत हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर देना बच्चों। चंद्रकर बेटा थोड़ी सी सिली मिस्टेक है, सही करो। तुहिन तुहिन प्लस माइनस की गलती, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आदित्य गाहकर बेटा सेम मिस्टेक है आयुष चांदेकर। ओम गलत है बेटा। गिव मी द आंसर, करेक्ट आंसर गाइस। हाँ तुहिन गुड। यश श्रवण गलत, अथर्व देसाई गलत। पॉलिनोमियल का डिवीजन को सबसे पहला काम मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इंटू वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू। एम आई राइट वेदांत? करेक्ट। आदित्य गाहकर करेक्ट। अब इसको याद करो, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और सम ऑफ कोएफिशिएंट्स में बताया था कि ओपन करेंगे, यहां पे कोई पावर नहीं है, तो कैन आई राइट दिस एज 3 इंटू माइनस 5x Can I write this like this? दोनों से मुझे x की पावर 100 चाहिए, तो यहां पे तो मैं मुझे x की पावर 100 ही चाहिए, लेकिन यहां पे एक x ऑलरेडी है, तो मुझे इतने पोर्शन से क्या चाहिए, x की पावर 99, एक x। तो अगर मैं कोएफिशिएंट की बात करूं, एक तो 3 रहेगा आगे वाला, इनटू इससे एक्स की पावर 100 का कोएफिशिएंट क्या निकल रहा था अभी इससे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में, माइनस 5 इनटू एक्स की पावर 99 का कोएफिशिएंट क्या होगा, हंड्रेड, क्योंकि 100 का 100 1 था, 99 का 100 होगा, तो अब आंसर आएगा 303 माइनस 500 विच विल गिव मी आंसर 197। इसमें किसी को डाउट?
एवरीवन गाइस आप सुनो मेरी बात वी प्लीज एक्सप्लेन द सेकेंड एंड थर्ड स्टेप ठीक है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा था कि यहाँ पे थ्री के साथ कोई भी एक्स है ही नहीं तो इस पूरे टर्म से एक्स की पावर हंड्रेड लाने के लिए मुझे यहां से ही एक्स की पावर हंड्रेड चाहिए होगा तो एक्स की पावर हंड्रेड का कोएफिशिएंट 101 और आगे का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू 101 सेकेंड उसमें यहां पे एक 5x माइनस 5x ऑलरेडी है एक x ऑलरेडी है तो अब मुझे बताओ अगर मुझको x की पावर 100 लाना है और एक x ऑलरेडी है तो मुझे सेकेंड वाले टर्म में x की पावर 99 लाना होगा तो x की पावर 99 का कोएफिशिएंट 100 क्योंकि 100 का 101 99 का 100 जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में ट्रेंड देखा फिर उसके बाद तो सिंपल सी चीज है ठीक है ओके अब सुनो गाइस व्हाट वी स्टार्टेड स्टडिंग सबसे पहले हम लोगों ने एलजेब्रा शुरू किया एलजेब्रा जिसमें मेजर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन इन इक्वेशंस किया इन वेवी कर्व इनइक्वालिटी और वो सारी चीजें देन हमने किया देन वी स्टार्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको मैं मिक्स करके पढ़ाता था पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज तीसरा चैप्टर पीएनसी चौथा चैप्टर बाइनोमियल पांचवा चैप्टर कुछ लोगों का जो भी पहले वाली चीजें नहीं हुई है डेफिनेटली आई विल डू द कवर अप ऑल्सो कोई इशू नहीं है दीज ऑल वर पार्ट ऑफ एलजेब्रा एलजेब्रा जो एक मेजर पोर्शन होता है एलजेब्रा उसका पार्ट था ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं हुआ है एलजेब्रा इसमें अभी प्रोबेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर है मैट्राइसेस डिटरमिनेंट है और बहुत सारी चीजें हैं ठीक है एक मेजर पोर्शन होता है एलजेब्रा एक छोटा पोर्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री एक अगेन मेजर पोर्शन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एलजेब्रा का अच्छी बात यह रहती है कि तुमने क्वाड्रेटिक नहीं अटेंड किया फिर भी तुम सीक्वेंस सीरीज कर सकते हो सीक्वेंस सीरीज नहीं किया तो भी पीएनसी कर सकते हो बाइनोमियल कर सकते हो वाइस वर्सा अब हम शुरू करेंगे एक काफी एलजेब्रा का काफी हो गए बोर हो गए वी विल स्टार्ट अ डिफरेंट थिंग विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री When I say coordinate geometry से आप लोगों के पाप शुरू होते हैं Coordinate geometry में सबसे पहला चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइन अगर वो आप लोगों ने अच्छे से नहीं किया तो उसके ऊपर का चैप्टर सर्कल वो अच्छा नहीं होगा फिर उसके ऊपर का चैप्टर वो अच्छा नहीं होगा तो यहाँ से आपके इंटर रिलेटेड चैप्टर शुरू होते हैं स्पेशली कोऑर्डिनेट में एंड कैलकुलस में तो आपकी ट्यूसडे की जो क्लास होगी ट्यूसडे उसमें आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्ट्रेट लाइन अगेन रिपीट कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन एंड एवरीवन प्लीज बी वेरी सीरियस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जैसा भी अभी तक किया ठीक है देखेंगे उसको उसका रिवीजन भी करेंगे एवरीथिंग वी विल डू द कवर अप फ्रॉम स्ट्रेट लाइन ऑनवर्ड्स आपका स्ट्रेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका स्कोरिंग पोर्शन होता है वो हम बहुत ही अच्छे से करेंगे तो आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू मिस एनी डैम थिंग ऑफ दैट हम अच्छे फ्लो में जाएंगे इट विल टेक मिनिमम 6 to 7 लेक्चर्स टू कंप्लीट स्ट्रेट लाइन 6 to 7 लेक्चर्स यानी 3 हफ्ते तो लगने ही वाले हैं ओके गाइस तो मुझको ये इसका मतलब है कि इस पूरे मंथ लेट मी सी Yes. इस पूरे मंथ आप लोगों का स्ट्रेट लाइन ही चलेगा सो बी वेरी सीरियस एनीवन मैंने जो शीट दी है वो शीट कंप्लीट कर लो जितने मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो तो कंप्लीट कर लोगे उसके बाद एडवांस से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो वो करोगे कुछ एक दो टर्म ऐसे आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो बाइनोमियल थ्योरम का भी पार्ट है एंड कैलकुलस का भी पार्ट है तो वो वाले क्वेश्चन आपको छोड़ देने होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर प्लस एफ रियल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट आई प्लस एफ करके लिखा होगा
तो वो वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने होंगे, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। वो फ्रैक्शनल पार्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब मैं कैलकुलस कराऊंगा तो आपको कराऊंगा, ठीक है गाइज। यहाँ पे आप लोग का बाइनोमियल थ्योरम डन होती है एंड एलजेब्रा के स्पेशली काफी अच्छे चैप्टर्स डन होते हैं, स्कोरिंग चैप्टर्स, ठीक है। प्लीज जितना भी अभी तक जैसा भी किया है, किसी ने बहुत ध्यान से पढ़ा, किसी ने नहीं भी ध्यान से पढ़ा, इट इज ओके। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स स्ट्रेट लाइन होगा, तो एक चीज आप लोग कर लेंगे, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो सारी की सारी चीजें जो भी टेंथ की बुक होगी हल्का सा रिवाइज करके आना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा क्या होगा एवरीथिंग प्लीज रिवाइज इट, ठीक है। आज की क्लास छोटी ही होनी थी क्योंकि मुझे चैप्टर खत्म करना था, एक्चुअली ट्यूजडे को खत्म करना था लेकिन ड्यू टू सम रीजन खत्म नहीं कर पाया। आज स्ट्रेट लाइन मैंने सोचा था शुरू कर देंगे बट स्टिल ठीक है। हाँ, इसमें एक आपको मैथमेटिकल इंडक्शन काइंड ऑफ चीज दिखती है शीट में, वो चीज नहीं करनी है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर जेई सिलेबस, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूविंग वाली चीज होती है एंड जेई में कोई भी प्रूफ नहीं आता, सो दैट इज आउट ऑफ योर जेई सिलेबस, सो डोंट स्किप दैट, जस्ट फोकस ऑन बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। पूरी थ्योरी रिवाइज कर लेना एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वी आर डन फॉर द डे, ठीक है। यस बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय। सर विल यू प्लीज सेंड अ क्वेश्चन नंबर फ्रॉम बाइनोमियल वर्कशीट टू सॉल्व। विधान बेटा, अपने किसी भी फ्रेंड से जो भी शीट में मैंने बताया है क्लास में कि कौन कौन से करने हैं, मांग लेना किसी भी फ्रेंड से, दे मस्ट हैव दैट कि मैंने क्या क्या बोला है करने को, ठीक है। मल्टीनोमियल का होमवर्क मैं ग्रुप पे दे दूंगा अभी, मल्टीनोमियल एंड नेगेटिव इंडेक्स का वो मैं ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है। जो भी आगे का होमवर्क होगा आई विल गिव इन द ग्रुप। सर वो कब तक सबमिट करना होगा मल्टीनोमियल? मंडे। हेलो सर, मंडे मंडे। हाँ बेटा सर, आपने वो कौन कौन से छोड़ने वो फिर से बता सकते हो क्या? छोड़ने जिसमें भी आई आई प्लस एफ दिखेगा वो नहीं करना है, और कोई भी ऐसी चीज तुमको लगे कि जो नहीं है वो, मतलब जो चीज हमने देखी ही नहीं है तो वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। थैंक यू सर, मैं होमवर्क ग्रुप पे डाल दूंगा, कर लेना आप लोग, ठीक है सर। हाँ बेटा एक मिनट सर, देयर वाज अ क्वेश्चन इन द शीट ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू 27 एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, वैसा था। हाँ, केसेस बना के कर लो बेटा। ओके सर, सो यू हैड टोल्ड कि बाइनोमियल थ्योरम के एंड तक, हाँ हाँ, वो एडवांस वाली पार्ट है, बेसिकली x1 plus x2 plus x3 ऐसे ही करके मैं तुम्हें थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ, थोड़ा सा खुद सोचना। x1 plus x2 plus x27 या ऐसे बोल लो, ए वन प्लस ए टू अप टू ए ट्वेंटी सेवन, बी वन प्लस बी टू, सी वन प्लस सी टू, इनका प्रोडक्ट से निकलता है। सोचना जरा, बेसिकली जो वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाली थ्योरी थी ना उससे आता है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, फिर मैं डाउट में बता दूंगा, ठीक है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन वाली थ्योरी से प्रूव हो जाता है, ठीक है। हाँ जैकी चैन बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, बेसिक लेवल सब लोग कर लोगे, एडवांस लेवल ट्राई करोगे जितना हो सकता है उतना करोगे, ठीक है। बाकी मैं होमवर्क करा दूंगा एवरीवन। चलो ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बेटा ठीक है, बाय सर। बाकी प्रोबेबिलिटी एंड एवरीथिंग वी विल डू लेटर ऑन। चलो गाइस, bye sir.